Hey, hello and welcome future doctor. So guys, today we are going to discuss some important problems of friction. And as you know that guys, friction ke questions definitely aapke NEET entrance exam mein puche jaate hain. To previous year ke kuch badhiya se questions hum discuss karne wale hain. IIT ke, JEE ke aur NEET ke as well. Theek hai, jisse aapke concept build ho sake aur badhiya tarike se aap apne exam mein questions attempt karke aa sako, matlab uske sath fight karke usko beat karke aa sako. Okay, to yaar usne bola ek block hai aapke paas and wo kuch is tarike se rakha gaya hai. जैसे कि आप देख सकते हो, तो हियर इज द ब्लॉक. नाउ सी, दिस इज द ब्लॉक. यस, कूल. अब इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है. बिल्कुल कर रहा है सर, बिल्कुल कर रहा है. ये देखो, ये फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे. एफ फोर्स है. कितने डिग्री पे है भाई? 60 डिग्री पे है. और ये जो सरफेस पे रखा गया है ये ब्लॉक, इसका जो फ्रिक्शन है, इसका जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, व्हाट इज दैट? दैट इज 1/2 अंडर रूट ऑफ 3, है ना? ये वैल्यू आपको दे रखी है यार. और इसका जो मास है, ऑब्वियसली जो मास दे रखा है, इसका मास इसका दे रखा है अंडर रूट ऑफ 3, दैट इज केजी. दिस इज द मास. ओके, अंडर रूट 3 केजी. आपसे पूछा गया है इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कि ये जो ब्लॉक है ये मूव ना करे. इट मींस दैट अगर ये ब्लॉक दोस्तों मूव नहीं करेगा तो यार एक बार बताओ, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स एज वेल, ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, मीन्स इट इज इन स्टैटिक कंडीशन. ओके, तो हमने क्या करना है, इस पे एक्ट करने वाले एक्सटर्नली सारे फोर्स को बैलेंस करना है. उसी से क्वेश्चन हो जाएगा. यू जस्ट मेक द फ्री बॉडी डायग्राम. जैसे कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, फ्रिक्शन लॉज ऑफ मोशन टोटली डिपेंड अपॉन फ्री बॉडी डायग्राम. मीन्स एक्सटर्नली अप्लाइड ईच फोर्स को हमने अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू दियर रेस्पेक्टिव डायरेक्शन. इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा. कूल, लेट्स सी हाउ मेनी नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी इन दिस सिचुएशन. यू जस्ट रिप्रेजेंट दैम लाइक, एक तो इसका इटसेल्फ वेट है डाउनवर्ड, इसका वेट होगा ऑब्वियसली, दैट इज एम जी, है ना? मास दे रखा है इतना, तो आ जाएगा रूट 3g. ठीक है जी. और इसी पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ जो सेंटर है उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन आएगा. डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये बॉडी इसके ऊपर रखी है, तो नॉर्मल रिएक्शन अप डायरेक्शन में एक्ट करेगा उसको बैलेंस करने के लिए. एक फोर्स लग रहा है किसी एंगल पे, तो फोर्स क्योंकि किसी एंगल पे है तो कॉम्पोनेंट पे रिजॉल्व करना है. तो जिस एक्स के साथ कॉम्पोनेंट बना रहा है उस पर कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा? ऑब्वियसली कॉस. तो एफ आएगा एफ कॉस ऑफ 60 डिग्री. और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका दूसरा जो कंपोनेंट एक्ट करेगा, दिस इज एफ साइन ऑफ 60. ये ज्यादातर गलती होती है, ज्यादातर एस्पिरेंट यहीं पे गलती करते हैं जल्दी से सॉल्व करने के चक्कर में. तो यार इसका एफ का जो साइन कंपोनेंट है तो वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो ये भी तो काउंट होगा ना भाई. ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये इधर से एक्ट कर रहा है. अब देखो आप, अब इसमें से वो, इन सब में से वो कौन सा फोर्स है जो उस बॉडी को मूव कराएगा? आप क्लियरली देख सकते हो, ये वाला फोर्स डाउनवर्ड है, तो भाई वो जमीन में तो अंदर नहीं जाएगा ऑब्वियसली, इधर भी नहीं जाएगा. वर्टिकल सिचुएशन में तो ब्लॉक मूव कर ही नहीं सकता ऑब्वियसली. तो ये वाला जो फोर्स है, इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस 60, ये इस पे इधर को एक्ट कर रहा है राइट में, तो डेफिनेटली ब्लॉक इधर को जाने की कोशिश करेगा उसके जस्ट अपोजिट. इट मींस दिस इज द ड्राइविंग फोर्स, मींस दिस इज द फोर्स विच कैन ड्राइव दैट पर्टिकुलर ब्लॉक, है ना? दिस इज द फोर्स जो उसको मूव करा सकता है. तो यार इसका मोशन अगर इधर होगा तो उसके अपोजिट इस पे फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन डायरेक्शन ये आ गई. This is the direction of the friction force, you know, you can say. Okay, तो हमें सबसे पहले friction force की direction check करनी है, तो उसके लिए क्या करना है? Driving force देखना है, जो body को move कराने की tendency लग रहा है, उसके just opposite friction आएगा. अब ये वाला force के component बन चुके हैं, तो इसको आप हटा सकते हो, no problem, इसको आप हटा सकते हो, क्योंकि component बन चुके हैं. अब आप बस ये देखो, along the x axis, how many number of forces is there along the y axis? You just make the equation now, you just equate them. एंड आपका आंसर आ जाएगा. ओके, तो सबसे पहले मैं देखूंगा दोस्तों, इजीली आपको सिखाना भी है मैंने, तो मैं देखूंगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. तो यार एक्स एक्सिस ये रही, देखो इस एक्सिस पे कितने फोर्स है, देखो ये एक्स एक्सिस है, लेट्स सी. तो दोस्तों दिस इज द एक्स एक्सिस, तो इधर को एक्ट कर रहा है एफ कॉस 60, उसके जस्ट अपोजिट एफ आर, और ये चूंकि मूव नहीं कर रहा है तो एफ कॉस 60 इसके अपोजिट है, तो इक्वल होना चाहिए. तो F cos 60 is equal to F R means static friction. ओके, तो ये बनेगा F into cos 60 1/2. और फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो जस्ट आपको बताइए, म्यू इंटू एन. ओके, सो F आ गया दोस्तों आपका 2μ into n. तो F यहीं से आ जाएगा, अगर आपको ये म्यू गिवन है, देखो n पता चल जाए. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ अब आप अप्लाई करेंगे अलोंग, व्हाट इज दैट, अलोंग y एक्सिस कितने फोर्सेज है, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है तो वो भी बैलेंस होने चाहिए. तो देखो अलोंग y एक्सिस नॉर्मल रिएक्शन अप है और डाउन है रूट 3g, और डाउन ये भी है, ये वाला फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, मतलब दो फोर्स, f sin 60 डाउनवर्ड
और इसका वेट डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन अप। तो नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। सो हियर नॉर्मल रिएक्शन कैन बी रिटन एज एम साइन ऑफ 60 एम जी साइन 60 प्लस रूट 3g। ये आ गई आपकी वैल्यू एंड इस वैल्यू को उठा के आपने यहाँ पे पुट करना है। तो वॉट विल बी द फाइनल फोर्स दैट एफ इज इक्वल टू 2 μ। एन की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, दैट इज एम जी साइन ऑफ 60 प्लस रूट 3 ऑफ जी। पहले आप सीख लो क्वेश्चन का करने का तरीका क्या है, ठीक है। सो एफ आ जाएगा आपका यहां से देखो 2 है ना, 2 दिस इज 2। ओ आई मेड सम यू नो सिली मिस्टेक, व्हाट इज दैट, एक्चुअली सिली तो नहीं बोलेंगे बस ज्यादा ही हो गई। ये तो यहाँ पे जो एफ साइन 60 है, ये एफ साइन 60 है, दिस इज नॉट एम जी, दिस इज एफ, एक्चुअली दिस इज एफ। So, this is F. देखा गलती हो गई कि नहीं, दिस इज एफ। ओके सो यू जस्ट मल्टीप्लाई दैम, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 μ f sin of 60 आ जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करो रूट 3g इंटू 2 μ, ठीक है। इसमें भी f पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो आएगा 2 μ की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1/2 √3 इंटू f sin 60 वैल्यू क्या है √3/2 प्लस रूट 3g इंटू 2 इंटू दिस इज 1/2 √3। सो यू कैन राइट दिस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया एंड हियर इज 2 कैंसिल, हियर इज √3 कैंसिल। तो f आ गया दोस्तों यहाँ पे, दिस इज f, यहाँ पे बचेगा केवल f और 2, f बाय 2 प्लस यहाँ पे बचा g, यानी केवल g। अब आपने यहाँ से f की वैल्यू निकाल दिया, तो इस वाली को इस साइड में लेके आओ आप, तो क्या बनेगा देखो, f माइनस f बाय 2 इज इक्वल टू जी, एंड इसको एलसीएम ले लो तो f बाय 2 एंड दैट इज जी। सो f आ गया दोस्तों 2g, और 2g का मतलब 2 × 10। सो फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज 20 न्यूटन, दैट इज योर रिक्वायर्ड फोर्स इन दिस सिचुएशन नाउ। ओके मतलब मैंने क्या किया, देखो फिजिक्स का कांसेप्ट तो यही खत्म हो चुका था जब आपने इक्वेशन बनाई बैलेंस की। ये तो कैलकुलेशन है यार, ऑब्वियसली कैलकुलेशन आपको खुद भी करनी पड़ेगी, दैट इज द मेन थिंग, कैलकुलेशन आपको खुद भी करनी चाहिए। ओके इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है, कांसेप्ट मैंने आपको बताया था कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड फोर्स, नाउ जस्ट चेक आउट द ऑप्शन। ओके गाइस, ओके गाइस, सो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो यार अभी जो क्वेश्चन हमने आपने सॉल्व किया, that is really important problem, really important concern, and laws of motion की खास बात यही है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, that is the backbone of physics obviously, so हमें पता होना चाहिए इसमें सब कुछ balance करना होता है, आपको केवल equations बनानी होती है, free body diagram बनाना होता है, then after we can easily solve the problem, calculation बस हमारी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, practice मतलब आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आप कहीं नहीं फंसेंगे। ओके अब की बार जो ग्लोब रखा है वो horizontal surface में, उसने बोला wall के against रखा, तो wall is the vertical, vertical, तो ये wall है, let's see this is the wall, तो आप इस बात का ख्याल रखें ये वॉल है, तो इसके अगेंस्ट ब्लॉक को रखा गया है यार इस तरीके से, ये है देखो आपने इस तरीके से इसको रखा है, ठीक है, दिस इज योर सिचुएशन, कूल। उसने बोला है कि ये ब्लॉक है, मैंने इसको ऐसे रख दिया, ऐसे यार अगर मैंने इसको ऐसे रखा है किसी वॉल के सहारे में उसको छोड़ दूंगा तो तुरंत देखो किधर जाएगा, अगर मैं छोड़ूंगा तो तुरंत नीचे आएगा ऑब्वियसली, है ना। तो यार आपने देखे तुरंत नीचे गिरेगा, अगर हम इसको छोड़ते हैं तो तुरंत नीचे, मतलब ड्यू टू द वेट, क्योंकि ग्रेविटी इसको तुरंत नीचे खींचेगी, बट उसने बोला इसको होल्ड करके रखा गया बाय द फोर्स 10 न्यूटन। तो आपने क्या किया इस पे, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, दैट इज 10 न्यूटन, कूल, है ना, टू जस्ट होल्ड दिस ब्लॉक अगेंस्ट द वॉल। अब उसने बोला है कि यार फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी दे रखा है, ये जो ब्लॉक है उसका जो सरफेस है, वॉल का जो सरफेस है जहां पे एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है 0.2, डेफिनेटली ऑब्वियसली, है ना, दैट इज 0.2। अब वो पूछना चाह रहा है आपसे कि वेट बताओ, ब्लॉक का वेट क्या होगा, भाई ध्यान से समझते हैं पहले, है ना। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों कि ये ब्लॉक डाउनवर्ड मोशन में मूव क्यों करेगा। तो अगर ये फोर्स आप हटा दोगे तुरंत नीचे जाएगा ऑब्वियसली, किसकी वजह से, इसके खुद के वेट की वजह से। तो इसका जो वेट है वो इसका ड्राइविंग फोर्स है, वेट हियर इज द ड्राइविंग फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइविंग फोर्स चेक करना होता है, बिकॉज ऑफ ड्राइविंग फोर्स विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। ओके तो अगर ये वेट इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आएगा तो डेफिनेटली फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन रहेगी इनकी कॉन्टेक्ट सरफेस पे अप रहेगी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां पर फ्रिक्शन ड्राइविंग फोर्स को बैलेंस करेगा, इसको गिरने से बचाएगा, 10 न्यूटन ने इसे होल्ड कर रखा है इस डायरेक्शन में, तो 10 न्यूटन ने इस डायरेक्शन में होल्ड कर रखा है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन इस बार आएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का काम है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करना ऑब्वियसली, है ना। सो देखो इसके जस्ट अगेंस्ट, यानी नॉर्मल ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसके इसी के बिल्कुल जस्ट नीचे एक कॉन्टेक्ट पॉइंट लेंगे, यहां नॉर्मल रिएक्शन होगा, दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन। तो यार इस सिचुएशन में अगर ये ना गिरे,
होल्ड सिचुएशन में ये रहे ना गिरे, तो सारे फोर्स इस पे बैलेंस होने चाहिए ऑब्वियसली। तो मैंने देखा यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है ये वाला एन, ये 10 न्यूटन है, ये ध्यान रखेंगे आप, इसकी यूनिट है ये। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसकी जस्ट अपोजिट है, मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्टली आ गया यहाँ पे 10। ये बस आपने समझना है, क्योंकि ये ब्लॉक ऐसे नहीं रखा है, ऐसे ही रखा है वर्टिकली, तो तुरंत ग्रेविटी से नीचे आ सकता है, ठीक है। अब वेट को कौन बैलेंस कर रहा है बॉस, वेट को कर रहा है बैलेंस आपका फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स कैन बी रिलेटेड एज द वेट ऑफ द बॉडी। नाउ यू कैन सी दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी, ओके। अब मुझे वेट कैलकुलेट करना था, तो मैं वेट यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं, तो वेट क्या आएगा आपका एफ इंटू आर। एफ आर क्या होता है दोस्तों, म्यू इंटू एन, म्यू कितना दे रखा है 0.2, एन कितना है 10, so what is that, so this is 2 newton. Now you can see this is the required weight, this is the actually required weight, you know, जो आपसे पूछा गया है इस ब्लॉक का, ये ही बस आपने करना है, क्योंकि आपने फ्री वर्ड डायग्राम बना लिया, वेट को बैलेंस करना है, फ्रिक्शन फोर्स यू कैन चेक इट आउट, एंड इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए स्टैटिक कंडीशन चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें वेट पूछा है तो हमने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी टाइप के स्टेप को अपना फॉलो करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो दिस इज आई थिंक योर रिक्वायर्ड आंसर, जस्ट चेक आउट द ऑप्शंस, ओके।